हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोफिया आयरन किचन। मैं आज आपको पेड़ा की रेसिपी शेयर करूंगी और बहुत ही इजी तरीके से इसको बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर 15 से 20 काजू को ले लिया है, इसको हम डाल देंगे। और फ्लेवर के लिए मैंने यहाँ पर एक इलायची के दाने को डाल दे रही हूँ। तो काजू को मैंने पहले से भिगोया नहीं था, इसे ही कच्चा वाला काजू है और इसको हम पीस लेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने इसको थोड़ा सा दरदरा टाइप का इसको पीस करके तैयार कर लिया है। अभी यहाँ पर हम बाकी के इन्ग्रीडियंट्स ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने मिठाई मिर्च 100 ग्राम ले लिया है, आप चाहे तो यहाँ पर मिल्क मेड भी ऐड कर सकते हैं। अभी हम यहाँ पर लेंगे हाफ कटोरी दूध, तो मैं मतलब कि हाफ कप ये दूध है, मैं कटोरी से मेजर कर रही हूँ। और इसको मैंने उबाल लिया था पहले से और मलाई के साथ यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ। मिल्क मेड डब्बा में भर करके इसको हम डाल देंगे। तो ठंडा वाला दूध आप ले लीजिएगा। और यहाँ पर हम डालेंगे थोड़ा सा पनीर, करीब 100 ग्राम की यहाँ पर पनीर है, तो इससे बहुत अच्छा अच्छा टेक्सचर आएगा और खाने में भी टेस्टी बनेगा। तो इसको हम तोड़ करके डाल लेंगे और सारे इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छी तरह से पीस लेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसको मैंने अच्छी तरह से पीस लिया और इसका टेक्स्चर देखिए, बिल्कुल मतलब कि सिल्की स्मूथ वाला टेक्स्चर आ गया है। अभी यहाँ पर हम ऐड करेंगे मिल्क पाउडर 1 कप। तो जिस कटोरी से मैंने मिल्क को मतलब मेजर किया था, उसी कटोरी से मैंने मिल्क पाउडर को भी मेजर किया हूँ। और इसको अच्छी तरह से मतलब कि मिक्स कर लेना है, लंग्स फ्री इसको मिक्स कर लेना है। अभी इसको हम गैस के ऊपर चढ़ा करके चलाएंगे। तो यहाँ पर कंटिन्यूसली इसको चलाते जाइए और यहाँ पर घी डालेंगे हम 2 टीस्पून और इसको मिक्स करते जाइए, जितना कि ये मतलब कि गाढ़ा हो जाए, डो की तरह बन जाएगा। तब तक इसको चलाना है, हाथ मत बंद कीजिएगा, नहीं तो ये मतलब कि लंग्स पड़ने लगेंगे, गुठला की तरह हो जाएंगे। तो इसको कंटिन्यूसली चलाना है इस तरीके से होने तक। आप देख सकते हैं कढ़ाई में ये चिपकना बंद हो गया है, मतलब कि बिल्कुल डो की तरह बन गया है। इस स्टेज तक आपको चलाना है। तो ये हो गया, गैस का फ्लेम को अभी बंद कर लेंगे और इसको निकाल लेंगे। तो ये ठंडा होने के बाद और भी गाढ़ा हो जाता है, तो इस स्टेज में आपको निकालना होगा। तो यहाँ पर मैंने एक प्लेट में डाल लिया। तो अभी इसको थोड़ा सा मसल लेंगे, ये काफ़ी ज़्यादा गर्म है तो इसको मैं मतलब कि करछुल से ही मसल रही हूँ। तो इसको अच्छी तरह से मसल करके चिकना कर लीजिए, उसके बाद इसका हम पेड़ा बनाएंगे। तो इसको ठंडा होने मत दीजिएगा, गर्म गर्म ही इसका मतलब कि शेप दे देना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने इस तरीके से बना लिया है। इसको ऐसे थोड़ा सा फ्लैट कर लेंगे तो ये सादा वाला मतलब कि पेड़ा बन करके रेडी हो गया। आप चाहे तो इसमें शेप दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सारे पेड़ा को बना लिया है और यहाँ पर जो एक शेप दे रही हूँ, तो ये बच्चों का मेसर है तो इससे मैं इसका शेप दे रही हूँ। आप किसी भी मतलब कि ऐसे शेप आएगा उससे मैं भी इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये करछुल ले लिया है मैं, इससे भी बहुत अच्छा सा शेप आ जाता है। तो इस तरीके से एक बॉल्स को यहाँ पर हल्का सा प्रेस कीजिएगा, बहुत ज़्यादा मतलब कि मत कीजिएगा, नहीं तो ये निकलेगा नहीं। तो इस तरीके से भी बहुत अच्छा सा शेप आ जाता है। देख सकते हैं कितना जो करछुल का जो शेप है यहाँ पर पेड़ा में आ गया। इसे भी आप बना सकते हैं या फिर आप मतलब कि ऐसे फोर्क ले लीजिए चम्मच, इससे भी बहुत अच्छा सा शेप आ जाता है। इससे भी आप ऐसे शेप दे सकते हैं, बहुत ईजी तरीका है। ऊपर से हम एक पिस्ता लगा देंगे, आलमंड भी आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पर सारे पेड़े में एक पिस्ता को मैंने यहाँ पर कट करके लगा रही हूँ। आप चाहे तो आलमंड बादाम को भी ले सकते हैं। अभी इसको खुला में 3 से 4 घंटे के लिए रख लेंगे या फिर आप मतलब कि फ्रिज में भी रख सकते हैं 2 से 3 घंटे के लिए। ठंडा होने के बाद अच्छी तरह से सेट हो जाएगा, ये काफ़ी ज़्यादा भी नरम है तो ठंडा होने दीजिए अच्छी तरह से। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने फ्रिज से इसको निकाल लिया है और ये अच्छी तरह से सेट हो गया है। तो अभी इसको मैं एक तोड़ करके दिखाऊंगी। तो ये देखिए यहाँ पर मतलब कि पूरा खस्ता वाला स्मूथ वाला पेड़ा बन करके रेडी हो गया है और अच्छे से मतलब कि ये सेट हो गया है। तो बहुत इजी तरीका है, आप बना करके देखिएगा। अगर रेसिपी पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।